वसुदेव की थी तो है ना। देव के प्राण लौट आए हैं वसुदेव जी। मुझे पूरा विश्वास था देव कि तुम अपने लल्ला का मुख अवश्य देखोगे। कान्हा, बहुत विश्वास है ना तुझे अपनी मैया पर? आज तुझे पता चल जाएगा कि तेरी मैया सत्य बोलती है या भूत ना। हमें चिंता हो रही है प्रभु, जहाँ कान्हा को अपने रक्षा की युक्ति सोचनी चाहिए वहाँ वे पूतना से जीवन दर्शन की बातें कर रहे हैं। पूतना असुर है, उससे ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है। पित्ते भर का बालक और मुझे ज्ञान देगा? तुझे चुप करने का केवल एक ही मार्ग है, तेरी मृत्यु। अपनी पत्नी के इस अभागे भाई पर थोड़ा सा ध्यान दो। बताओ ना, कहाँ है आपका आठवां पुत्र? देवकी की स्थिति में सुधार इसलिए नहीं हुआ है कि मैंने तुम्हें सत्य बताने का निर्णय लिया था, बल्कि ये तो एक संकेत है कंस, तेरी मृत्यु का संकेत है कि अब तेरा अंत निकट है कंस। भगवान, ये ऐसा नहीं मानेगा। ऐसे छोड़ो अब, कैसे भी नहीं मानेगा, क्योंकि इसके हृदय से देवकी के जीवन का भय जो निकल गया है, बुझा दो जी, सब बुझा दो। किंतु वसुदेव, तुम भूल रहे हो, मैं भगवान हूँ, भगवान कंस, और भगवान कंस तुम्हारे आठवें पुत्र को ढूंढ लेंगे, फिर तुम चाहे चुप रहो या गूंगे हो जाओ। काला, 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 कहाँ तुम? काला, काला। काना, काना तू ठीक है ना? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। हमारा काना लौट आया। हमारा काना सुरक्षित है। अरे काका, हमारा काना ही सुरक्षित नहीं है, काना ने तो पूरे ब्रजमंडल को सुरक्षित किया है पूतना को मारकर। नहीं दामोदर काका, मैंने कुछ किया भी नहीं, पूतना तो स्वयं ही मर गई। पर काना, तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं बाबा, डरने का समय ही नहीं मिला। मैं ना पूतना से बातें कर रहा था, पूतना मृत्यु की बातें कर रही थी और पूतना स्वयं ही मर गई। अति घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। अति घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हे चतुर्भुज, काना पर तुम्हारी विशेष कृपा है, तुम्हारे कारण ही आज मेरा काना सुरक्षित है, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा, मैया कहाँ है? बताओ ना बाबा, मैया कहाँ है? राती,
ये क्या है? भगवान दिया। ये क्या है? भगवान अंधेरा। अर्थात भगवान अर्थात दिए तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा, सत्य वचन। देवी के जीवन में प्रकाश की सूचना तो भी लेकर आई थी ना वसुदेव के पास। जानती हो प्राप्ति, जब दिए तले अंधेरा हो तो उसे कैसे दूर किया जाता है? ऐसे। अब भी नहीं समझे? आज मैं तुम्हारे जीवन को उजाले की तरह उज्जवल कर दूंगा। आओ प्राप्त। दामोदर, जल्दी से जाके औषधि तैयार कीजिए। मैया, मैया, मैया। मैया उठो मैया। मैया तुम्हारे कान्हा को कुछ नहीं हुआ। मैया मैं आ गया मैया। मैया तुम अपने कान्हा से क्रोधित हो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर पूतना के साथ चला गया था। मैया मुझसे गलती हो गई मैया। मैया अपने कान्हा को क्षमा नहीं करोगी मैया। मैया उठो ना मैया। मैया जब तक तुम नहीं कहोगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैया। मैया मैं वचन देता हूँ मैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैया। मैया आपको उठना ही होगा मैया। मैया कुछ बोलती क्यों नहीं है बाबा? काकी, मैया कुछ बोल क्यों नहीं रही है काकी? मैया उठो ना मैया। मैया ये कैसे हो सकता है मैया कि कान्हा पुकारे और मैया कुछ ना बोले? मैया उठो ना मैया, उठो ना मैया। मैया प्रभु, आज नटखट नंदलाल करुणा से भर उठे हैं। जिन नेत्रों में अटखेलिया रहा करती थी आज वही नेत्र आंसुओं से भर गए हैं। नंदलाल के हंसते खिलखिलाते मुख पर ये पीड़ा, उनका ये दुख अब मैं और नहीं देख सकती। प्रभु कुछ कीजिए प्रभु। साथ मेरे साथ वचन कर दिया मैंने तन मन धन अर्पण। पति पति परमेश्वर पति है जीवन जन जन का बंधन। पूरे हो गए फेरे साथ गोरी तेरा अमर रहे सुहाग। वाहा स्मरण है प्राप्ति, विवाह की वो शुभ रात्रि, वो मंगल गीत, वो अग्नि के फेरे। ही विवाह किया था ना तुमने मेरे साथ? जी 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 भगवान। विवाह का अर्थ जानती हो? विवाह, विवाह, वि अर्थात विशेष, वाह अर्थात वहन करना। विवाह विशेष रूप से अपनी अर्धांगिनी के उत्तरदायित्वों का वहन करना। किंतु मुझे देखो, मैं राजकाज भक्त भगवान देवकी आकाशवाणी आठवां पुत्र सब में इतना उलझ गया और तुम्हें भूल ही गया प्राप्ति। मुझे तो विशेष रूप से तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था ना।
नहीं भगवान, आपने जितना मेरा ध्यान रखा है उतना ही प्राप्ति का भी। अस्ति, अपराध हुआ है मुझसे। मैं महाराज हूं, भगवान हूं, किंतु उससे पहले मैं प्राप्ति का पति हूं, इसीलिए मेरा प्रथम नहीं 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 विशेष प्रथम धर्म है अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करना। प्राप्ति, क्या चाहती हो? कुछ भी तो नहीं भगवान। कुछ भी तो नहीं भगवान। नहीं 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 प्राप्ति, इस अपराधी से प्रायश्चित करने का अवसर मत छीनो। बताओ बताओ क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। भूल तो नहीं गई तुम्हें क्या चाहिए? तुम भूल सकती हो, मैं नहीं भूल सकता कि तुम क्या चाहती हो, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं और भगवान सब जानते हैं कि कब किसे क्या चाहिए। महाराज वसुदेव, देवकी के प्राण लौट आए हैं। वसुदेव जी, वसुदेव जी, वसुदेव महाराज, देवकी के शरीर में देवकी के जीवन की सूचना अर्थात मृत्यु, भगवान कंस की मृत्यु, यही चाहती हो ना प्राप्ति? नहीं 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 भगवान। जानता हूं प्राप्ति, तुम विधवा बनना चाहती हो। जीवनम अवस्थात्र त्वम पालनम क्रुयात्, विवाह का तीसरा वचन, जीवन की हर अवस्था में तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करना। नहीं। सुहाग के आभूषण, तुम्हारे हृदय का भार, विवाह का चौथा वचन, मैं प्रत्येक स्थिति में अपनी पत्नी का भार उठाऊंगा। विवाह का दूसरा वचन, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं का सम्मान करूंगा जैसे मैं अपने माता पिता का। पिता का सम्मान? पिता का सम्मान मुझे सबसे अधिक प्रिय है अस्ति। हमारा विवाह अवश्य हुआ था, परंतु अब तक मैंने अपने विवाह के वचन नहीं भरे थे। आज मैंने अपने सारे वचन पूरे कर दिए। आज सही अर्थों में तुम मेरी पत्नी बनी हो अस्ति। वस्त्र, भगवान कंस की ओर से अपनी प्रिय पत्नी प्राप्ति की इच्छाओं का सम्मान। भाग्यशाली हो प्राप्ति कि तुम्हें भगवान कंस जैसे पति मिले।
संसार में ऐसा होगा कोई पति जो अपने जीते जी अपनी पत्नी के विधवा बनने की इच्छा को पूरी करे? सुंदर, सुहाग के वस्त्रों से भी अधिक सुंदर, अब तुम ऐसे ही रहोगे विधवा बनकर। भगवान कंस की विधवा पत्नी प्राप्ति, अब तो प्रसन्न होना। और उसके आठवें पुत्र की मृत्यु निश्चित है, वो ब्रह्मांड में कहीं भी छिपाओ, भगवान कंस उसे ढूंढ लेंगे, फिर जाना उसकी मृत्यु की सूचना लेकर उसकी मैया के पास। देवी, आज ना कोई माया है और ना ही कोई लीला, आज केवल मैया यशोदा की ममता है और कान्हा का प्रेम। किंतु प्रभु, केवल प्रेम से माता यशोदा का स्वास्थ्य किस प्रकार ठीक होगा? वो अपने मानसिक आघात से किस प्रकार बाहर आएंगी प्रभु? देवी, संसार में प्रेम से बढ़कर ना ही कोई औषधि है और ना ही कोई उपचार। जब मैया यशोदा ने प्रेम और भक्ति से भरकर संतान की पुकार लगाई थी, तब उनके त्याग और तपस्या को फलित करने हेतु कान्हा को संसार में अवतरित होना पड़ा था। आज कान्हा को उसी प्रेम से भरकर मैया यशोदा को पुकारना होगा देवी, क्योंकि जब तक कान्हा के अंतर मन में वो प्रेम नहीं जागेगा जो दोनों माताओं के हृदय में उनके प्रति है, तब तक वह दोनों माताओं के ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे देवी। दोनों माताओं का ऋण? देवी, कान्हा पर मात्र मैया यशोदा का ही नहीं अपितु माता देवकी की ममता का भी ऋण है, इसलिए कान्हा को प्रेम से परिपूर्ण होकर एक सच्चा पुत्र बनना होगा। एक पुत्र के लिए अपनी माताओं का ऋण चुकाने के लिए इससे अच्छा सुअवसर और कोई नहीं हो सकता है देवी। बाबा, औषधि तैयार है। जागो जागो हे महातारी, सूर्य गगन से दूर हो कैसे।
भैया